कल आकाश ने कहा था कि सर फेसिंग से रिलेटेड तुम लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे कंसर्न रहते हैं, क्योंकि तुमने ट्रेडिशनल वीडियोस देख रखी हैं वास्तु की, तो तुम्हें ये लगता है सर यहाँ हो, पैर वहाँ हो, ये सारे तुम्हारे मनस के अंदर जो है द्वंद्व चलते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सेशन करके इसको क्लियर कर दें, ताकि तुम्हारे को एक क्लैरिटी आ जाए कि क्या है और क्या नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तुम अगर देखो यहां पे, मैं तुम्हारे को, क्योंकि सब लोग घर पर हो, क्वारंटीन्ड हो, लॉकडाउन है, तो वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड चल पड़ा है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे को बताता हूं कि कौन सी दिशा में बैठ कर किस तरफ देखकर क्या प्राप्त किया जाता है, ताकि तुम्हारे माइंड से ये फेसिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। शुरू करते हैं नॉर्थ से। नॉर्थ का जो डायरेक्शन है, ये क्या प्रदान करती है? मनी एंड अपॉर्चुनिटी देती है। ठीक है, अब सपोज करो कि तुम्हारे को कोई वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी गेन करनी है। लेट्स से कि तुम्हें कोई प्रेजेंटेशन बनानी है क्लाइंट के लिए, ठीक है, तो तुम कहां बैठ के उसको बनाओगे? नॉर्थ में। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि तुम्हारा रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। क्या तुम्हारा, ये लेट आते हैं, ये फिर घंटियां बजाते हैं रूम की, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि तुम्हारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। अगर तो तुम एक सपोर्ट स्टाफ हो, लेट्स से, क्या करूं मैं, ये सब लेट लेट आ रहे हैं। अगर तो तुम अपनी कंपनी के अंदर सपोर्ट स्टाफ में हो, तो तुम्हारे को कहां बैठना बेटर है तुम्हारे लिए? नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो सपोर्ट एंड बैंकिंग की है। तुम फाइनेंस रिलेटेड वर्क में हो, बैंकिंग सपोर्ट या कस्टमर केयर में हो, नॉर्थ वेस्ट तुम्हारे लिए दी बेस्ट है। तुम सेल्स के अंदर हो, तुम प्रमोशन में हो, सेल्स में हो, NNW। रीजन क्या है कि तुम्हें माल को, जो प्रोडक्ट है उसको अट्रैक्ट कैसे करते हैं वो करते आना चाहिए। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? यहाँ पे नॉर्थ में बैठे हो, पैसा चाहिए, कोई बिडिंग करनी है नॉर्थ में, कोई अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड तुम्हारा काम है, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट वाले हो गए नॉर्थ में। क्लियर है? अब तुम्हारे को कोई इनसाइट चाहिए। सपोज करो तुम कोई रिसर्च में लग गए हो और तुम्हें आगे का रास्ता देखना है, तुम्हें एक इनसाइट चाहिए कि मैं इस चीज को कैसे करूं, तो तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट। क्यों? क्योंकि वो क्लैरिटी एंड माइंड का डायरेक्शन है। किसी भी चीज की क्लैरिटी होते आए तो काम इजीली हो जाता है। तुम्हें बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो तुम्हें कहां बैठ के प्रैक्टिस करनी चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में। अब ये तो हो गया बिजनेस रिलेटेड। अब हम व्यवहारिक बात करते हैं, एक डे टू डे की घरेलू बात करते हैं। तुम्हारे घर में किसी को रिश्ता ढूंढना है, तुम्हें किसी के लिए रिश्ता सर्च करना है, सपोज करो, हाँ, तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, तो तुम नॉर्थ में अपना लैपटॉप लेके बैठोगे रिश्ता ढूंढने के लिए। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि अपॉर्चुनिटी है नॉर्थ में। अब तुम कहते हो फेसिंग, मैं फेसिंग को इतनी वैल्यू देता नहीं हूं, पर क्योंकि अब तुमने पूछा है तो तुम्हें बता देता हूं कि मेरे लिए तो 16 की 16 दिशाएं शुभ हैं। 16 से 16 से मैं कुछ प्राप्त कर सकता हूं, और तुम्हें कैसे प्राप्त करना है ये भी बता दूंगा। अब मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें शादी के लिए रिश्ता ढूंढना है तो नॉर्थ में बैठ के साउथ वेस्ट को देख लो। साउथ वेस्ट रिलेशनशिप का है,
हाँ, तो तुम नॉर्थ में बैठ के साउथ वेस्ट की तरफ फेसिंग कर लो। अगर फेसिंग का तुम्हें लगता है कि करवानी जरूरी है, करके देख लो, प्राप्त ही होगा। लेकिन यूजुअली क्या होता है, जिस भी दिशा में बैठो, बेस्ट ये रहता है कि तुम सेंटर की तरफ फेस करो, जो ब्रह्म स्थान है उसकी तरफ फेस करो। रीजन क्या है, ओरिजिन ऑफ एनर्जीज जो है वो सब सेंटर से। क्या मेरी बात समझ में आई यहां तक? ये फिर कोई आ गया है, सतीश वर्मा आ गए हैं। सब लोग म्यूट पर ही रहना, हाँ प्रार्थना है। ऐसे ही तुम टेक्निकल सपोर्ट में हो किसी, हाँ तो नॉर्थ वेस्ट में बैठो। अगर तुम्हें अपनी सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस चाहिए तो तुम नॉर्थ वेस्ट में बैठ के नॉर्थ की तरफ देख लो। अगर तुम्हें सपोर्ट से रिलेटेड कनेक्शंस बनाने हैं, अपने ऐसे कनेक्शंस बनाने हैं जो तुम्हारे को सपोर्ट करें, तो नॉर्थ वेस्ट में बैठ के ईस्ट की तरफ देख लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तुम वहां जहां बैठे हो उस पर्टिकुलर दिशा का एक गुणधर्म है, और तुम्हें जो प्राप्त करना है वो तुम्हारे या तो साइड पे होगी, बाजू में, या सामने होगी दिशा। तुम्हें क्या प्राप्त करना है उस दिशा की तरफ तुम अपना फेस करके बैठ जाओ। बट आइडल है ब्रह्म स्थान फेसिंग। मेरी बात समझ में आई? अब तुम्हें मेडिटेशन करनी है, नॉर्थ ईस्ट में बैठ के करो। क्लैरिटी ऑफ माइंड, इनसाइट का डायरेक्शन है, ठीक है। अब तुम्हें मेडिटेशन में बैठ के कुछ ऐसा चाहिए कि मुझे पैसे भी कमाने का आइडिया आ जाए, जैसे कि तुम्हारे को कुछ सूझ नहीं रहा, तो तुम नॉर्थ ईस्ट में मेडिटेशन करो और कहाँ देखो, नॉर्थ की तरफ, क्योंकि तुम्हें अपॉर्चुनिटी की इनसाइट चाहिए, ठीक है। तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, तुम्हें एक्स वाई जी रिश्ते से एक सपोर्ट चाहिए, राइट? कोई तुम्हें सपोर्ट कर नहीं रहा, तो तुम नॉर्थ ईस्ट में बैठ के नॉर्थ वेस्ट में उस रिश्तेदार की एक फोटो पहले तो लगा दो, फिर नॉर्थ ईस्ट में बैठ के उसकी तरफ ध्यान करो, उस रिश्तेदार की तरफ, और परमात्मा से प्रेयर करो कि वो तुम्हें सपोर्ट करे। क्या मेरी बात समझ में आई? नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी ऑफ माइंड और इनसाइट की डायरेक्शन है, ठीक है। यहां पे बैठ के मेडिटेट करो, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग, तो जिससे सपोर्ट चाहिए वो आना शुरू हो जाएगा। नॉर्थ करोगे तो अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाएगी, वेस्ट फेसिंग करोगे तो गेन्स आने शुरू हो जाएंगे, साउथ वेस्ट फेसिंग करोगे तो पितरों की कृपा आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पितरों की डायरेक्शन भी है साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट करोगे तो विद्या आनी शुरू हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ, तो फेसिंग का इतना ही महत्व है, लेकिन उन सब में प्रमुख क्या है? ब्रह्म स्थान। क्योंकि जितनी भी एनर्जी जो ओरिजिनेट हो रही है, फील्ड एनर्जी जितनी भी जनरेट हो रही है, उसका जो कोर है वो ब्रह्मा जी है, ब्रह्म स्थान है, ठीक है। मैं तुम्हें आगे लेके चलता हूं। ईस्ट का मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। अब यहां पे सपोज करो ये है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, ठीक है। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन पैसे की है। अब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, पैसे से रिलेटेड काम कर रहे हो, फाइनेंशियल सर्विसेज में हो, आईटीआर वगैरह भरते हो, तो तुम क्या करोगे? तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, फाइनेंशियल सर्विसेज में हो, तो तुम साउथ ईस्ट में बैठ के, अगर तो ग्राहक चाहिए तो नॉर्थ। एक मिनट होल्ड करो यार, मैं ये रूम ना लॉक कर रहा हूं, अब ये ऐश आईफोन। अब इसके बाद जो रह गया सो रह गया, क्योंकि ये रूम लॉक है, मैं इसके बाद नहीं किसी को एंटर करूंगा, ठीक है। म्यूट पे चले जाओ सब लोग प्लीज। तो सॉरी कन।
म्यूट पे चले जाओ, कोई बात नहीं। तो तुम साउथ ईस्ट में बैठ के नॉर्थ की तरफ देखोगे, तुम्हें यार गल्ला साउथ ईस्ट में है तो वो वेस्ट फेसिंग हुआ तो तुम्हें पैसे का गेंद जाना शुरू हो जाए। इसके ही विपरीत अगर वेस्ट में तुम्हारी टिल पड़ी है, टिल मतलब गल्ला, और वो साउथ ईस्ट फेसिंग है, तो डे टू डे कैश का क्रंच खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हारा गल्ला नॉर्थ फेसिंग है तो अपॉर्चुनिटी यानी कि फुटफॉल आना शुरू हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तुम क्या करते हो और तुम्हें क्या चाहिए वो फेस, जहां तो जो तुम करते हो उससे रिलेटेड दिशा में बैठ जाओ, और क्या चाहिए उस तरफ देख लो, तुम्हारी फेसिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व है। ऐसे ही अगर ईएससी का जो जोन है, ये ईएससी की डायरेक्शन है, ये एंजाइटी और चर्निंग की है। जो डेटा एनालिस्ट होते हैं, जिनका एनालिसिस का काम होता है, हाँ, उनको यहाँ बिठा दो और वेस्ट की तरफ फेसिंग करवा दो, तो जो वो एनालिसिस करेंगे उसमें से उनको कुछ गेंस मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि ये डायरेक्शन ईएससी एंजाइटी एंड चर्निंग की है ना? तुम कहोगे जी एंजाइटी होती है, लेकिन चर्निंग भी तो है। जो आदमी एनालिसिस का काम करता है उसको एंजाइटी रहती है, क्योंकि उसका काम ही यही है, चर्निंग, मंथन 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 वाले को ऑलवेज एंजाइटी रहेगी। तो उसके लिए तो ये डायरेक्शन बढ़िया होगी। समझ में आया? तो यहाँ पे इसको हम ऐसे करेंगे, गुलशन तुझे नींद आ रही है, रे तो चला जा सो जा, मुझे मत सुला, तमस मत फैला ग्रुप में। कोई जरूरी नहीं है, ये रिकॉर्डेड होते हैं सेशन, इनको यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है? अब आगे चलते हैं। साउथ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ में अगर कोई बैठा है, सपोज करो कोई मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस है उसको काम का, ठीक है, साउथ में बिठा दो। एक ऐसा कोई वर्क है जिसमें तुम्हें नेम फेम चाहिए, तो साउथ में बैठ के उसको प्रैक्टिस करो। जैसे हम लोगों की ओकल्ट लाइन है, हाँ, तो इसके अंदर बेस्ट है कि आप साउथ में बैठो नेम फेम के लिए। नहीं भी बैठो तो अपनी जितनी प्रैक्टिस बुक्स हैं, जो तुम प्रैक्टिस कर चुके हो, वो सर्टिफिकेट्स वगैरह सब लेके जो है साउथ में लगा दो, क्योंकि किसका डायरेक्शन से क्या आ रहा है, उस दिशा से फेम आता है, और बिना नेम फेम के तुम कामयाब ही नहीं होगे। ऐसे थोड़ी हमारे अखबारों में फोटो छपवाती है या टीवी पे आती है, नेम फेम छपवाती मतलब वो लोग छापते हैं, ये थोड़ी कहती है मेरी फोटो छाप दो। मुझे सब समझ आता है, वो लोग कहते हैं कि हम अमायरा जी आपकी फोटो छापना चाहते हैं, फिर अपन कहते हैं कर लो, अपनी भी तो छपी है ना खूब सारी, ऐसे ही छपती हैं ये। तुम्हें ये भी गुण दे दूंगा, मिलवा दूंगा, कोई तीर छोड़ूंगा नहीं, ये ध्यान रखना, मेरा प्रॉमिस है तुम्हें, तुमसे तुम्हें वो बनाऊंगा कि दुनिया देखेगी, ठीक है ना? एक एक कांटेक्ट दे दूंगा, क्या अवार्ड, क्या टीवी, हाँ, क्या मैगजीन, क्या पेपर मीडिया, क्या रेडियो मीडिया, क्या पीआर, ये सारे गुण दे दूंगा तुम्हें, सब बता दूंगा कहाँ से क्या जुगाड़ होता है। तुम्हें जिसे कहते हैं अव्वल, नंबर वन, कि कोई तुमसे बात करके, तुम्हें मेरा मनस ये नहीं है कि मैं तुम्हारे को कोई बिगाड़ना चाहता हूं ना, मैं तुम्हें सुधारना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें कोई ठगे ना। समझ में आ रही है? ऐसे ही आगे पावर एंड कॉन्फिडेंस, अगर कोई कहता है मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो साउथ साउथ ईस्ट में उसकी चेयर लगा दो, पीछे हनुमान जी की फोटो लगा दो कॉन्फिडेंस के लिए, कुछ नहीं तो पीछे शेर लगा दो, ठीक है? अब SSW तुम्हारे लिए, SSW एक्सपेंडिचर और डिस्पोजेबल का डायरेक्शन है, मेरे लिए SSW भी अच्छा है। किसी के केस खत्म करने हैं तो उसकी फाइल SSW में रखवा दो, डिस्पोज हो जाएंगे। कोई लीगल मैटर है, केस चल रहे हैं, तो SSW में उसकी फाइल रखवा दो, डिस्पोज हो जाएंगे।
कोई बिल्डर है जो कोलेबरेशन का काम करते हैं, उनको जो है तुम SSW में बिठाओ और उनको कहो कि वहां क्लाइंट से अपनी मीटिंग करें। क्यों? क्योंकि जो उसका क्लाइंट होगा वो कोलेबरेशन का काम करता है। कोलेबरेशन मतलब जगह उसकी बनाएगा, ये दो फ्लोर ये रख लेगा, दो वो रख लेगा, ऐसा सिस्टम होता है। तो SSW में जो बिल्डर बैठेगा क्लाइंट के साथ, वहीं पर ही उसी डायरेक्शन में बैठ के वार्तालाप करेगा, तो उसकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने की उसमें क्षमता होगी। उसकी बनी बनाई बिल्डिंग डिस्पोज करेगा तभी तो रिकंस्ट्रक्ट करेगा। मीटिंग वहां करवाओ और एग्जीक्यूशन वेस्ट में बिठा के करवाओ। ऐसा होता है, ये मत सोचना कि इधर से उधर ही भगाते रहोगे। मीटिंग रूम्स होते हैं कंपनियों में, है ना? ऐसा नहीं कि एक आदमी को इधर उधर भगा रहे हो, सर आप पागल कर दो उसको, ऐसा नहीं। प्रॉपर मीटिंग रूम्स होते हैं। मीटिंग रूम्स के अलावा कई लोग घरों में भी मीटिंग करते हैं, तो तुम्हारे पास ये ऑप्शंस होते हैं कि तुम उनकी मीटिंग यहाँ पे, उनको बोलो मीटिंग इधर करो जी। आप, मेरी बात समझ में आई? अब तुम कोई स्किल रिलेटेड वर्क करते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, एक स्किल है तुम्हें, कोई ये लैंग्वेजेस आती हैं जो भी आती हैं, C++, ये वो मुझे नहीं पता। हाँ तुम्हें आती हैं, मुझे नहीं। तो तुम ये लैंग्वेजेस लेके साउथ वेस्ट में बैठ जाओ, फेसिंग नॉर्थ कर लो तो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, और वहीं कहीं चेयर थोड़ी साउथ ईस्ट की तरफ घुमा लिया तो पैसा आ जाएगा। और अपनी चेयर लेके वेस्ट की तरफ फेस करके बैठ गए तो गेंद आने शुरू हो जाएंगे। क्या तुम्हें समझ में आई फेसिंग कैसे करनी है? तो ऐसी कोई प्रिसाइज फेसिंग नहीं है कि इधर बैठ के उधर ही देखना है। अगर मैं प्रिसाइज की बात करूं तो इधर बैठ के भ्रम स्थान ही देखना है, ये तो प्रिसाइज है। अदरवाइज जो तुम्हें प्राप्त करना है उस दिशा में तुम फेसिंग करो। ठीक है, आगे चलें। उसके बाद है वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट। तुम एक टीचर हो, एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो, वेस्ट साउथ वेस्ट इज बेस्ट फॉर यू, क्योंकि डायरेक्शन ही एजुकेशन की है। अब वहां बैठ के सपोज करो तुमने एक इंस्टीट्यूट खोल लिया टीचिंग का, टीचिंग कुड बी एनीथिंग, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया तुमने, और वहां बैठ के तुम्हारा फुटफॉल नहीं आ रहा, तो या तो तुम ईस्ट फेसिंग करोगे या नॉर्थ फेसिंग करोगे। अब फुटफॉल आ रहा है लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रही। सपोज करो तुम्हारे पास क्लाइंट आ रहा है, हाँ, इंस्टीट्यूट में, लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो नॉर्थ वेस्ट, NW। क्या समझ में आई मेरी बात? फिर तुम नॉर्थ वेस्ट फेसिंग करके बैठ जाना। ऐसे ही वेस्ट, वेस्ट इज बेस्ट। जितने डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, जो लोग कमीशन का काम करते हैं, उनके लिए वेस्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, वेस्ट में बैठ के अब एक डायरेक्टर को क्या रिक्वायरमेंट है? एक डायरेक्टर को पैसे से ज्यादा और अपॉर्चुनिटी से ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वेस्ट में बैठ के उसको नॉर्थ फेसिंग करवा दो तो दी बेस्ट है उसके। अब उसका काम ऐसा है, लाइजनिंग का काम है, तो बिना लोगों से मिले उसके पास पैसा नहीं आना, तो उसे वेस्ट में बिठा के ईस्ट फेसिंग करवा दो। यानी कि वेस्ट में बिठा के अगर वो सेंटर देखेगा तो बाय डिफॉल्ट ईस्ट में देखेगा। यू गेटिंग इट? तो ये ऐसा सिस्टम है सारा फेसिंग का। पैर यहां रख लें, सर यहां रख लें, तुम्हारा जो हेडरेस्ट होता है उसका महत्व है कि वो कहां पर है। अगर तुम्हारा साउथ में हेडरेस्ट है, पैर तुम्हारे SSW में आ रहे हैं, इट्स ओके। पर दिशा कौन सी? जो ये डायरेक्शन के अंदर तुम्हारा ऑब्जेक्ट पड़ा है। सपोज करो कि ये साउथ में तुम्हारा बेड इधर, ये हेडरेस्ट इधर आ गया, यहां पे हेडरेस्ट आ गया और पैर इधर आ गए, इट्स ओके, क्योंकि तुम्हारा हेडरेस्ट इधर है साउथ में। तुम्हारे इस टेरिटरी के अंदर साउथ की जितने ऑब्जेक्ट पड़े हैं वो सारे साउथ में स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स हैं, उसकी तुम फेसिंग इधर कर लो, उधर कर लो, जिधर मर्जी कर लो, तुम्हारे ऊपर है। आइडल जिसको
जितनी भी रेमेडीज होती हैं वास्तु के अंदर, वो सारी की सारी जो भी तुम्हारी ये स्कल्पचर रेमेडीज होती हैं, 3D रेमेडीज जिसको बोलते हैं, हाँ, ये सारी रेमेडीज जो हैं ये सेंटर फेसिंग होती है। समझ में आया? 3D हो गया, जैसे वो हाथी घोड़ा पालकी ब्रास के जो है वो 3D हो गया, ये सारे सेंटर फेसिंग होते हैं। आर यू गेटिंग इट? क्लियर हो गया फेसिंग वाला मामला तुम्हारा क्या है? इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब तुम देखो यहाँ पे आगे देखो, WNW मैंने तुम्हें बताया, तुम यहाँ क्लाइंट को बिठा दो वेस्ट में, खुद बैठ जाओ और बन जाओ तुम काउंसलर साइकोलॉजिस्ट, देखो तुम्हारा काम कैसे चलता है। क्योंकि तुम्हारा क्या है डायरेक्शन? डिटॉक्सिफिकेशन और डिप्रेशन की। क्लाइंट डिप्रेस होगा और तुम्हारे साथ कंसल्टेशन में आएगा, तुम उसे काउंसलिंग करोगे, तुम्हें पैसे दे के जाएगा और वो डिटॉक्सिफाई होगा।